उसको मोदी ने पूजा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा जरूर होगा। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है रुकने वाला नहीं है। मोदी, मेरठ और मैजिक एनडीए को 400 पार कराने का, मैजिक 370 से अधिक सीटों पर कमल खिलाने का, मैजिक यूपी की 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी को क्लीन स्वीप कराने का। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन दो खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। मेरठ से चुनावी रैली की शुरुआत कर नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव प्रचार को पूरी तरह टॉप गियर मिला दिया है। हर बार की तरह इस बार भी पश्चिमी यूपी के मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौड़ में शामिल हुए। सदी धावक की तरह मंजिल पर निगाहें जमाई और फिर दौड़ पड़े बेधड़क बेहिचक। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। 2024 के चुनाव के लिए ये मोदी की पहली जनसभा थी। यूपी के मेरठ से रैली की शुरुआत कर मोदी ने एक बार फिर जीत के तिलस्म को तोड़ने का दांव चला। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है, और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। इससे पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी चुनाव प्रचार का आगाज वेस्ट यूपी के मेरठ से ही कर चुके हैं। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। 2014 में मोदी ने मेरठ से दंगा मुक्त देश का नारा दिया। बोले, छोटी छोटी सी बातों पर मेरठ में दंगे हो जाते हैं। मोदी के इस स्टैंड ने 14 के चुनाव की दिशा बदल दी। 2019 में मोदी ने मेरठ से चौकीदार हूं का नारा दिया। मोदी बोले, चौकीदार हूं और चौकीदार कोई नाइंसाफी नहीं करता।
लोगों को भरोसा दिया कि बारी बारी से सबका हिसाब होगा। नतीजा आज सामने है, करप्शन करने वाले का पूरा हिसाब हो रहा है। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं, वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इस बार भी मोदी ने मेरठ से भ्रष्टाचार पर 100% प्रहार का नया नारा दिया है, 24 के चुनावी अभियान को नई दिशा दी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए, और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। सवाल है कि हर बार मोदी मेरठ से ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत क्यों करते हैं? जवाब है, मोदी मेरठ से जब भी चुनाव प्रचार का आगाज करते हैं, वो चुनाव दर चुनाव जीत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 2014 के चुनाव में मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उस वक्त मोदी ने पहली चुनावी रैली मेरठ में की थी। एनडीए को कुल 336 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद मोदी ने मेरठ से ही चुनावी रैली की शुरुआत की थी और एनडीए ने जीत के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 352 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2024 के चुनाव में भी मोदी ने मेरठ से अपनी रैली का आगाज किया और एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून मोदी की इस रैली की टाइमिंग को भी बीजेपी की इंटेंस पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। 30 मार्च को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने देश के सर्वोच्च सम्मान को लिया। एक दिन बाद 31 मार्च को उसी जयंत चौधरी ने मोदी के साथ मंच साझा किया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का क्रेडिट पीएम मोदी को देकर जाटलैंड को सीधा संदेश दिया। हमें खुश होना चाहिए कि मेरठ चौधरी साहब की कर्मभूमि है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौधरी साहब को मिलने वाला नहीं था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में ऐसा पहली बार है जब आरएलडी और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब पीएम मोदी के मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की हुंकार सुनाई दी। इससे पहले जयंत अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन इस बार एनडीए के साथ मिशन 400 पार के मिशन को साधने में जुटे हैं। पश्चिमी यूपी को जाटलैंड कहा जाता है। पूरे यूपी में जाट समाज का वोट 4% के करीब है। वहीं पश्चिमी यूपी में जाट समाज का वोट बैंक 17% बैठता है। पश्चिमी यूपी में जाट समाज का वोट जीत हार का समीकरण तय करता है। खुशी है आप लोगों को? ये बहुत ऐतिहासिक पल है, गौरवशाली पल है। किसानों का एक एक वर्ग का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान भारत सरकार ने किया है। बहुत ऐतिहासिक पल है, सरदेव चौधरी चरण सिंह साहब का ये सम्मान किया। अब जाट जो है बीजेपी के साथ है? बिल्कुल 100%। सारा वोट गिरेगा? बिल्कुल। इस बार पूरा चलेगा, कमल खिलेगा। नल चलेगा और कमल खिलेगा। चलिए, नल चलेगा और कमल खिलेगा। और जो भगवान राम है सीरियल के, उनको ही कैंडिडेट बना दिया? हाँ, बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। और वे भी जीतेंगे, कई लाखों वोटों से निकल जाएंगे जीत करके। तो
हाल क्या है मेरठ का? माहौल बहुत बढ़िया है, माहौल इतना बहुत नीति है। मोदी जी की एक नीति है, वो किसी एक कैंडिडेट को परमानेंट एक जगह से नहीं खड़ा करते, हर किसी को चांस देते हैं। यही एक उनकी बड़प्पन है, क्योंकि हर कैंडिडेट को हर जगह से एक ही बार में नहीं देते वो। ये तो जरा टोपी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की है और इसके नीचे लोकदल भी है, ये लोकदल है, सब साथ में। हेलो, हर हर मोदी, हर मोदी, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब की बार चुनाव राम लहर पर सवार है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश का माहौल राममय है। लोग एक स्वर से बोल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम की जय बोलने वाले को इस बार पर्दे के राम मिल गए हैं। रामायण टीवी सीरियल के जरिए घर घर में राम को लाने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है। अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही, इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। वेस्टर्न यूपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के आगाज का एक बेहतरीन कनेक्शन सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। चूंकि सहारनपुर लोकसभा सीट का नंबर एक है और बीजेपी एक अंक को बहुत शुभ मानती है, इसीलिए बार बार देखा यह गया है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का आगाज करते हैं तो वो वेस्टर्न यूपी को चुनते हैं और वेस्टर्न यूपी में भी बार बार मेरठ को बीजेपी पसंद करती है। बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टफ चैलेंज पश्चिमी यूपी में मिला था। वजह रहा मुस्लिम वोटों का प्रभाव, एसपी बीएसपी और आरएलडी का गठजोड़, लेकिन अब वो गठजोड़ खंड खंड हो चुका है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ जाट वोट बेस वाली जैन चौधरी की पार्टी आरएलडी एक साथ थे। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और आरएलडी मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के साथ है। गठबंधनों के बदले गणित से सीटों के समीकरण भी उलझ गए हैं। जयंत के साथ जाट वोट बैंक का बीजेपी के साथ आना ये तय माना जा रहा है और ऐसे में अगर बीएसपी अपने दलित वोट बैंक की पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हार से कोई नहीं बचा सकता। जब चौधरी साहब को भारत रत्न पर संसद में चर्चा हो रही थी तब इंडी गठबंधन ने पार्लियामेंट के अंदर जो किया वो पूरे देश ने देखा है। जब हमारे छोटे भाई जयंत चौधरी संसद में चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न के सम्मान को लेकर के बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की गई, भाई जयंत चौधरी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस और सपा को देश के किसान, इस क्षेत्र के लोगों की घर घर जाकर के माफी मांगनी चाहिए। मोदी की मेरठ रैली का असर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं रहने वाला। मोदी की रैली के मंच पर एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की मौजूदगी का इशारा और आगे का है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल,
सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद भी मौजूद रहे। इशारा साफ है, मोदी की पहली रैली में ऐसा मंच सजाया गया जहां से पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटों की गठरी को और कसा जा सके। मंच पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के होने से पश्चिमी यूपी का सैनी वोट सधेगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पटेल वोट बैंक को जोड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के जरिए पूर्वांचल तक के पिछड़ों को साधने की कोशिश होगी। इसी रणनीति के साथ बीजेपी 24 के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने वाली है, जिसकी हरी झंडी मोदी के मेरठ रैली से मिल गई है।